कोरोना का कहर थमते ही किए गए अनलॉक में सब्जियों को चलायमान की स्थिति में सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बेचने के आदेश जारी कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि मंडियों को अभी तक नहीं खोला गया है, जिससे किसान असमंजस की स्थिति में है कि वो अपनी सब्जी कहां जाकर बेचें। बेटवा के किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार नीरज प्रजापत को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूर्व में भी एकाएक फल सब्जी बेचने पर प्रतिबंध कर दिया गया था, जिसके चलते किसानों सब्जी विक्रेताओं को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं जिस तरह से इंदौर में कुछ स्थानों पर मंडी संचालित कर सब्जियां बिक रही है, उसी तरह बेटमा में भी सब्जी बेचने के लिए स्थान तय किया जाए। आज हमने किसानों का नुकसान, सब्जियां किसानों को फेंकने पड़ रही है, मंडी बंद होने की वजह से पिछले 10 दिनों बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ। तरबूज के गोडाउन खराब हो चुके हैं, कद्दू खराब हो चुके हैं और फसलों का बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हो चुका है। इस कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे तहसील कार्यालय आए, यहाँ पे आवेदन दिया, सर से निवेदन किया कि हमारे लिए कुछ रास्ता निकाला जाए, हमारा नुकसान ना हो और किसानों को अपनी उपज को बेचने का जरिया मिले। और कोविड जो कोरोना काल अभी चल रहा है, इस कंडीशन को देखते हुए हमारा तहसीलदार साहब से निवेदन है कि हमें परमिशन दी जाए, ताकि हम हमारा थोक सब्जी मंडी ना करते हुए खर्ची में अपने सामान वो स्वेच्छा से बेच सके, जो कि आज इंदौर में हो रहा है। 7 से 8 जगहों पे अलग अलग जगह किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और इसका जो हम यहाँ पे आए हैं, परेशानी का सलूशन हमें चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि किसानों की इस मांग पर प्रशासन आगे क्या कुछ निर्णय लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बीटमा।